नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जीलानी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो डॉग्स और कैट्स में बहुत कॉमन होती है। नाम है फ्ली एलर्जिक डर्मेटाइटिस या फ्ली वाइट हाइपरसेंसिटिविटी। फ्ली का मतलब क्या होता है? पिस्सू हिंदी में कहते हैं। ये बहुत ही कॉमन डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन है और खास करके ये गर्मियों में होती है, उस जगह पर होती है जहाँ पर वार्म क्लाइमेट पाया जाता है। कभी कभी ये आखिरी की गर्मी के दिनों में लेट समर में भी मिलती है। ये बीमारी जो है कुत्तों में और बिल्लियों दोनों में पाई जाती है। इस बीमारी का अगर हम देखें तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है कुत्तों के लिए। बड़ा बुरा हाल हो जाता है उन जानवरों का और बहुत बेचैनी बढ़ जाती है। अगर ये बीमारी एक बार हो जाए या फ्ली इन्फेस्टेशन हो जाए तो एक साल तक ये उसमें परसिस्ट करता है, इतनी आसानी से नहीं निकलता। अगर हम बात करें किस तरीके से बीमारी को फैलाता है, जो पिस्सू होते हैं एक तरीके के कीट होते हैं, जैसे कटमल और किलनी इस तरीके से। ये जब ब्लड सक करते हैं, खून को चूसते हैं, उस समय कुछ मात्रा लार की ये इंजेक्ट कर देते हैं किसमें, स्किन में, इसके थ्रू वो ब्लड में चला जाता है। फिर जो लार होती है इससे कुछ हिस्टामीन लाइक कंपाउंड जो पदार्थ होते हैं वो निकलते हैं, जैसे कि एंजाइम, पॉलीपेप्टाइड और अमीनो एसिड। ये क्या करते हैं, ये हिस्टामीन होते हैं एक प्रकार के, और ये फिर इंड्यूस करते हैं, बढ़ावा देते हैं हाइपर सेंसिटिविटी को। तो हाइपर सेंसिटिविटी कौन कौन सी होती है? तीन प्रकार की होती है, वो तो टाइप 1, टाइप 4 जो इसके जरिए से होती है, और एक बेसोफिल हाइपर सेंसिटिविटी। अगर हम ड्यूरेशन के हिसाब से देखें, हाइपर सेंसिटिविटी तो दो प्रकार की होती है, एक होती है इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, दूसरी डिलेड। मतलब पहले हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब समझ लीजिए। हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं जैसे कि रिएक्शन होना, कोई दवाई आप खाते हैं और आपके शरीर पे एकदम रिएक्शन हो जाती है, वो हाइपर सेंसिटिविटी कहलाती है। तो ये हाइपर सेंसिटिविटी जो है दो प्रकार की, इमीडिएट और डिलेड। इमीडिएट सेंसिटिविटी जो होती है, हाइपर सेंसिटिविटी, वो 15 से 20 सेकंड के अंदर रिएक्शन हो जाती है, दिखने लगती है, और जो डिलेड होती है वो 24 से 48 घंटे। ब्लड सर्कुलेशन में कौन कौन सी एंटीबॉडी है इसको पता लगाया जा सकता है जब इसका टेस्ट किया जाता है, तो इसमें IgE और IgG, ये दो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं जो बढ़ी हुई होती हैं और ये मिल जाती हैं। एक खास बात देखी गई है कि जो भी डॉग एक बार इस बीमारी से गुजर चुका है या बार बार, खास करके बार बार, जो बार बार एक्सपोज होता है फ्ली के द्वारा, या बार बार उसके पिस्सू लग जाते हैं, फ्ली लग जाती है, तो उसके अंदर एक नेचुरली इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, जिसके कारण उसके अंदर सिम्टम्स नहीं मिलते, या मिलते हैं तो बहुत कम डिग्री तक, बहुत कम सिम्टम्स मिलते हैं। ये एक पहचान है कि ये इम्यूनाइज्ड है इस जगह। अगर हम क्लिनिकल साइन की बात करते हैं तो फ्ली से होने वाली खुजली, जो एलर्जी डर्मेटाइटिस है, वो आपकी क्या कहते हैं, उसमें खुजली काफ़ी तेज होती है, और पैप्लोक्रेस्टस, पैप्लो मतलब दाने होते हैं हल्के से, उनके चारों तरफ पपड़ी या वो डेंडर टाइप की जो होती है सफ़ेद सफ़ेद जम जाती है, तो इसे पैप्लोक्रेस्टेड कहते हैं। ये डेवलप हो जाती है डॉग में और कैट दोनों में। तो ये जो पैप्लोक्रेस्टस होती है, ये डेवलप होने के बाद जो था जानवर बहुत बेचैन रहता है, अनकंफर्टेबल महसूस करता है, बार बार खुजलाता है और दीवार से रगड़ने की कोशिश करता है, शरीर को काटने की कोशिश करता है, और बहुत ज़्यादा जानवर इतने परेशान हो जाते हैं जो उतरने लगते हैं। कुछ ऐसे डॉग होते हैं या कैट होती हैं जो बहुत सेंसिटिव होती हैं फ्ली के लिए या इनके एलर्जेंस के लिए, तो वो इतना ज़्यादा बेचैन हो जाती है कि अपने शरीर को काट डालती हैं, जिससे ट्रोमा, जख्म पैदा कर देती हैं। ये चीज़ होती है। इसके अलावा जो है, अगर ये तो स्टार्टिंग इसमें सेकेंडरी लिजन में क्या होता है कि बाल झड़ जाते हैं, इरिथिमा, तो मतलब होता है वो जो चमड़ी स्किन है वो रेड होने लगती है,
फिर हाइपर पिगमेंटेड हो जाती है। हाइपर पिगमेंटेड मतलब डार्क रंग, काला रंग या ऐसा ही कत्थई रंग उसका चमड़ी का होने लगता है, और इसी तरीके से उस पर पैप्यूल भी बन जाते हैं। पैप्यूल जब टूटते हैं तो रेडिश ब्राउन क्रस्ट बन जाती है। अगर हम बिल्ली की बात करें तो बिल्ली में सिर्फ दो सिम्टम्स मिलते हैं, एक होता है कि पैप्यूल बनेगा जो बाद में क्रस्टेड हो जाएगा, मतलब उस पर कोई पपड़ी टाइप बन जाएगी, और उसके सिम्टम्स कहाँ मिलते हैं, चेहरे पे मिलते हैं, गर्दन पे मिलते हैं और बैक में, तीन जगह। लेकिन कुत्ते बिल्ली में जो होते हैं कहाँ मिलते हैं, लोअर बैक होता है आपका, क्या कहते हैं, टेल हेड होता है, टेल हेड का मतलब जहाँ से पूंछ शुरू होती है वो एरिया, और थाई, पिछली टांगे जो होती हैं रानी, उसके अगले और पिछले दोनों हिस्सों में ये सिम्टम ज्यादा मिलते हैं। बस ये अंतर है कुत्ते और बिल्ली में, बाकी सारे सिम्टम सेम होते हैं, खुजलाना है और वो सब करना है। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में सबसे जरूरी होता है कि हिस्ट्री क्या है जानवर की, उसे पहले कभी इश्यू हुए थे नहीं हुए थे फिली, या क्लिनिकल साइन उसमें प्रेजेंट क्या है, जब उनके बाल हटा के देखेंगे तो उसमें क्या पिस्सू या फिली प्रेजेंट है, उपस्थित है या नहीं है, अगर नहीं है क्या उसके अंडे या उसका एस्क्रीटा, एस्क्रीटा मतलब मलमूत्र उसमें प्रेजेंट है नहीं है, अगर ये सब है देखेंगे, अगर ये मिलता है तो वो फिली इन्फेक्शन हो। इसके अलावा एक होता है स्किन टेस्टिंग होती है लैब में, उस स्किन टेस्टिंग में क्या किया जाता है, कुछ एलर्जन इंट्रोड्यूस किए जाते हैं स्किन में और वो फिर रिएक्शन शो करते हैं, कुछ इमीडिएट कुछ लेट, इससे भी पता चल जाता है कि ये जानवर जो है वो हाइपर सेंसिटिव है फिली के लिए। अगर बात करें, ये तो एक चीज हो गई, इसके अलावा उम्र भी बहुत मायने रखती है, एज, अगर किसी जानवर की उम्र एक साल से कम है, कुत्ता बिल्ली की, तो उसको चांस ये बीमारी होने के ना के बराबर है, एक साल से पहले ये बीमारी नहीं होती, एक साल के बाद ये बीमारी होने के चांस बढ़ जाते हैं। एक चीज, कुत्ते और बिल्ली, कुत्ते में कहा जाता है इसे फ्ली एलर्जिक डर्मेटाइटिस, और बिल्ली में कहा जाता है इसको फेलाइन मेलियरी डर्मेटाइटिस, ठीक है। तो एक चीज और होती है कि जब हम इसके मलमूत्र को पहचानते तो कैसे पहचानेंगे, जब उसके बाल हटाकर देखेंगे तो वहां पर मलमूत्र जो मिलेगा वो रेडिश ब्लैक कलर का होगा, सिलेंडर जैसा सिलेंडर होता उसकी शेप में, और पिल्लेट या कॉमा शेप, या तो गोल गोल मिलेंगे या आपको कॉमे की शेप में मिलेगा उसका फीसिस, जो कि पहचान होती है कि इसको बीमारी है। अगर हम इलाज की बात करें तो इलाज में, क्योंकि इंसेक्ट है तो एक इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, ये तो हो गए इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर जो होते हैं ओरल, उनके जरिए खिलाए जाते हैं, इंसेक्टिसाइड ओरल भी दिए जाते हैं, इंजेक्टेबल भी होते हैं, इसके अलावा कुछ स्प्रे आते हैं, स्प्रे दिया जाता है या टॉपिकल एप्लीकेशन होता है कुछ दवाइयों का, उसके जरिए ये माने जा सकते हैं। बहुत सारे इंसेक्टिसाइड हैं जैसे एफॉक्सालैनर, फ्लूरा लर्नर, और आपका सेलामेक्टिन है, इसके अलावा बहुत सारे हैं, लेकिन ध्यान रहे जो भी डॉग और कैट में इंसेक्टिसाइड यूज होते हैं वो कॉमन है, दोनों यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट छोड़ के, जो एफेक्सल लर्नर है और आपका फ्लूरा लर्नर, ये दो साल्ट ऐसे हैं, दवाइयां ऐसी हैं जो केवल डॉग में इस्तेमाल करते हैं। अब मान लो आपने दवाई दे दी मगर जानवर को ये ऐसा नहीं है कि हमेशा अगली खत्म हो जाए, कंट्रोल केवल 2 से 3 महीने तक किया जा सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी वजह है ये पिस्सू जो है इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, हम उन्हें खत्म नहीं कर सकते, जैसे ही दवाई का शरीर से असर खत्म होगा वो फिर हावी हो जाएंगे। उसके लिए बहुत जरूरी है कि अपने जानवर की समय समय पर भी क्या कहते हैं डेली या एक दिन छोड़ के कंघी करनी चाहिए, जैसे हम अपने बालों की कंघी करते हैं, जब कंघी करते हैं तो वो कंघी करने से जो भी फिली उसके बालों में है वो कंघी के जरिए बाहर आ जाते हैं। कुछ टॉपिकल एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो एडल्ट को भी मारते हैं, फिली को भी मारते हैं, उनके अंडों को भी मारते हैं, ठीक है, और ओविसाइडल स्टेज जो होती है उसको भी खत्म करते हैं। तो ये है, अगर आप जानवर पालते हैं तो उसकी बेचैनी आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो भी आपके नियर बाई आसपास जो वेटरनरी डॉक्टर हो
उससे कंसल्ट करें तभी ट्रीटमेंट करें, क्योंकि ये दवाई एक तरीके की जहर भी होती है। बेवजह अपने जानवर को ना खिलाएं। एक चीज और, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोग पा सकें।